जो देखिए ये रहा। तो गाइस ये है नमकीला टॉप। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बहुत खरबू। आज हम ये स्कूल में रुके हुए थे कल, पीछे आप देख रहे हैं स्कूल। अभी तो हमने टेंट वेंट अपने सारे उठा लिए हैं, यहाँ से आगे निकलने की तैयारी में है। आज अपना प्लान है कि कारगिल पहुँचना। कारगिल लगभग 67 किलोमीटर के आसपास है, तो ट्राई करेंगे। एक पास भी आएगा निमिकला या नमकीला कुछ करके पास है, नाम तो यार इनके थोड़े अलग ही है, फोतुला नमकीला। पहुँचते हैं, देखते हैं कैसे कहाँ तक पहुँच पाते हैं। बाकी अपना सारा सामान रेडी है, साइकिल अपनी तैयार है, संदीप की तैयार है, और मुस्तफा अपना सामान बांध रहा है, और उसका टेंट वहाँ हमने टेंट लगा रखे थे। हम रुके थे स्कूल में कि लाइट मिलेगी, बट हमें लाइट भी नहीं मिली। ये पूरी रात हमने यहाँ चेक करते रहे कि लाइट आ रही है नहीं आ रही है, बट लाइट आई नहीं। मौसम ख़राब था इसलिए लाइट आई नहीं, और पूरी रात बारिश हुई थी। रात में हवाएं क्या तेज तेज चल रही थी, और सामने के जो पहाड़ है ना उन पे बादल नीचे नीचे तक आ रखे हैं, आधे आधे ढके हुए पहाड़। तो ठंडा मौसम है, वापसी हमने अपने जैकेट वगैरह निकाल लिया है, तो अभी तैयारी पूरी हो चुकी है। अभी निकलने की तैयारी में है, बस उसका सामान रेडी हो जाए मुस्तफ़ा का, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, नाश्ता पानी करेंगे और आगे की अपनी राइड स्टार्ट करेंगे। ये अपना डेली रूटीन, सुबह उठो, अपने अंदर हवा भरो या ना भरो, साइकिल के अंदर हवा भरो पहले, तो वही चल रहा है फिलहाल। तो सो नाउ टाइम इज 9:10 और हम निकल चुके हैं बहुत खारबू से। जय भोले, जय शंकर, मम्मी ध्यान रखना, राइड अपनी सेफ करना। अभी रुकना यार ढाबे पे कुछ खाने के लिए, सुबह नाश्ता पानी करके निकलेंगे ना। और ढाबे पे पहुँच के मैं आपको एक कहानी और बताता हूँ, खीर से रिलेटेड है, बताता हूँ। ढाबे पे पहुँचते हैं, कल रात हमने खीर खाई थी, बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत टेस्टी यार, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर हमें 10 कुर्सी और मिलते ना और खाते, बताता हूँ भी आपको। मैं जा चुकी अपनी चाय और परांठे में, थोड़ा टाइम है। आंटी जी परांठा कितना टाइम लगेगा, 2-4-5 मिनट में हो जाएगा ना? तो आंटी जी बना रहे हैं अभी परांठा, परांठे में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम चाय पीते हैं, चाय की चुस्की, MSK की याद आ गई। तो भाई आ चुके अपने परांठे, मुस्तफा अपना परांठा चालू कर दिया है, संदीप का इधर है, संदीप भी खाने लग गया है, तो हम भी अब खाते हैं। तो खाते हैं अभी परांठा, और कल रात को खीर खाई थी ना उसकी कहानी बतानी थी। खीर खाई थी हमने आर्मी वालों के पास में, भाई क्या खीर बनी थी यार, बहुत ही ज़बरदस्त। हमने 2-3 कुर्सी लिए, इसने भी 2-2, 3-3, इसने भी 2-3, 3 दोबारा लेने गए आर्मी वालों का, बस आउट ऑफ कंट्रोल में, तो थोड़ा थोड़ा ही लो। तो हमने भाई खीर खाया और खाना खाया, सब्जी रोटी दाल, भाई मज़ा ही आ गया, क्या एक नंबर खाना बना था तीनों को वहीं। कल रात का खाना हमारा तीनों को वहीं आर्मी के पास था, बहुत ही ज़बरदस्त खाना बना था, मज़े ही आ गए थे। उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, खाना वाना खाया उनके पास में, आज सुबह सुबह तो ढाबे पे खा रहे हैं। तो अभी चाय पानी अपना नाश्ता हो गया और परांठे खा लिए, और परांठे खा के निकले थे। एक यार मूर्ति दिखी है पहाड़ के साइड में, बहुत बड़ी मूर्ति है, अभी दिखाता हूँ आपको यार, बड़ी मस्त लग रही है, और पहाड़ पर क्या ही लग रहा है ना यार, नज़ारा बहुत ज़बरदस्त हो रहा है वहाँ का। तो गाइस ये देखो सामने जो मूर्ति है ना, क्या ज़बरदस्त लग रही है यार, मतलब पहाड़ पहाड़ के साइड में मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति है, छोटी सी नहीं है। और ये देखिए साइड में जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ भी एकदम मतलब पत्थर वाला पहाड़ है ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। का मिजाज कुछ ऐसा है कि अपने को निकालनी पड़ गई, टोपी पहन चुके हैं और आगे की अपनी जो राइड है उसमें बढ़ चुके हैं। अभी पहुंच चुके हैं हम खंगराल, यहाँ से अभी चढ़ाई स्टार्ट होगी अपनी नमीकला टॉप की, तो अभी थोड़ी बाकी है, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। लोग यहाँ के लोकल बता रहे हैं कम है, बारिश थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो चुकी है, रेनकोट भी अपने को निकालना पड़ेगा, तो देखो कैसे रहता है, बट अभी तो कम है बारिश, तो थोड़ी दूर चल रहे हैं, उसके बाद में रेनकोट वगैरह निकालेंगे। इधर की तरफ बारिश का मौसम 2 दिन से बना हुआ है, इसलिए डर लग रहा है कि यार ज़्यादा होगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। हो नमकीला 7 किलोमीटर, और सामने देखिए चढ़ाई 7 किलोमीटर की, यहाँ से स्टार्ट होती है चढ़ाई। अभी रास्ता हमें दिख ही नहीं रहा है कि चढ़ाई यार किस तरफ जा रही है, पहला ऐसा पास आ रहा है जिसकी हमें चढ़ाई नहीं पता चल रही कि किस तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है नीचे की तरफ, फिर कहीं पता नहीं चल रहा है इस तरफ जाना है इस तरफ जाना है। बाकी मौसम अभी तो ठीक है, बारिश वारिश नहीं हो रही, रुक गई थोड़ी बहुत, हो रही थी रास्ते में। और ऐसे कुछ यहाँ से व्यू लेते हुए हम जा रहे हैं ऊपर, बादल पूरे ना पहाड़ को ढक लिया है, बड़ा ही ज़बरदस्त सीन है यार ये तो, बट ठीक है बरसे ना कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ जाएंगे धीरे धीरे, हो जाएगा प्यार बलिए, धीरे धीरे नमकीला ही पहुँचेंगे। 7 किलोमीटर दिखा, पिछले कुछ टाइम से बोर्ड नहीं दिख रहा था, तो परेशान हो रहा था कि कितना किलोमीटर कितना किलोमीटर है,
ठीक है कोई नहीं गाइस, जो सामने ऊपर जो दिख रहा है वो है टॉप, अभी दिखने लगा है, वहाँ तक हमें जाना है। और ये नीचे वाली साइड से हम आ रहे हैं, वो सामने देखिए यहाँ पे जो सड़क है ना ये वाली, यहाँ से आ रहे हैं, वो गाड़ियाँ आ रही है छोटी छोटी। और अभी निकल चुके धूप, तो धूप की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, बट कोई नहीं पहन के रखेंगे, ढलान में हवा लगेगी ना तो वापसी ठंड लगने लगेगी, इसलिए उतार नहीं रहे हैं कपड़े, जो पहने हुए हैं वो पहन के रख रहे हैं। रियल फ्रूट जूस भाई साहब, ये आप सोच रहे होंगे कैसे आ गया, अभी तो गर्मी में तप रहे थे कैसे आ गया। तो भाई अभी आर्मी वाले रुके थे, मतलब मेजर थे आर्मी में, सिविल ड्रेस में जा रहे थे, गाड़ी रोकी, दो तो हमें रियल जूस के से डब्बे दिए, नट क्रैकर पीनट दे के गए 3-4 पैकेट, यार मज़े ही करा दिए। तो अभी मैंने कहा दिए हैं हाथों हाथ एक पी लेते हैं, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी नहीं था, चाय पीने के लिए रुकने ही वाले थे। सही है सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद। तो भैया जी रुके कहाँ से? भैया जी बठिंडा से। बठिंडा से पानी दे रहे हैं, पानी की जरूरत भी थी, हमारी बोतल खाली थी पंजाब से। ठीक है जी, बोतल पानी की आ गई। ठीक है, ये वाली चढ़ाई हमें चढ़नी थी, पानी की जरूरत भी थी। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। तो भाई यार लोग काफ़ी रुक रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कोई कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ सामान दे रहा है, तो काफ़ी सही है। धीरे धीरे रुकते हुए हम भी चल रहे हैं। नमकीला यहाँ से 1.5 या 2 किलोमीटर रह गया, बस वो एक चढ़ाई है पीछे दिख रही है आपको, देखो ऊपर की तरफ वो एक चढ़ाई, ये यूँ घूम के जा रही है चढ़ाई, ये पहुँचते हैं नमकीला। तो यार नॉर्मल है, ज़्यादा चढ़ाई लग नहीं रही, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। हाँ बोलने पर सांस जरूर फूलता है, पर वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 किलोमीटर आराम से पहुँच जाएंगे, नॉर्मली पहुँच जाएंगे यार, पहुँच के आपको ऊपर ही मिलते हैं। बाकी थैंक यू जो भी हेल्प कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, थैंक यू जी, थैंक यू। तो गाइस पहुंच चुके हैं नमकीला टॉप, आई लव नमकीला, जो कि 12,198 फीट, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, नॉर्मल ऊंचाई है, बट लगभग फिर भी हमें 1 घंटे के आसपास 3-1 किलोमीटर में लगा, एक पास और क्रॉस किया हमने। अच्छा है यार, बना हुआ अच्छा है यहाँ पर, मतलब सांस वाँस कोई दिक्कत नहीं है काफ़ी, मतलब देखिए ऊपर की तरफ तिरंगा लगा हुआ, वहाँ पे झंडा है, ये काफ़ी सही बना हुआ है, बढ़िया बना हुआ है, खुला है एकदम, ऐसे नहीं घिंचा बिचा हो बस रुके फोटो खिंचवाए चल दिया, नहीं आराम से खुला है, खुली जगह है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ आराम से पार्किंग करो, फोटो वोटो खिंचवाओ, थोड़ी देर रुको। तो काफ़ी सही लगा मुझे। तो गाइस ये है नमकीला टॉप, यहाँ पे दिखा हुआ है, सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, पहुँच गए हम लगभग टाइम से ही, और अभी थोड़ा बहुत मौसम ख़राब हो रहा है, तो यहाँ से अब निकलने की तैयारी में, आर्मी भी आ रही है, सब आ रहे हैं भाई, बहुत अच्छी जगह है, आराम से आओ फोटो वोटो खिंचवाओ, ऊपर की तरफ ले जाओ, व्यू बहुत शानदार है यहाँ से। चलिए निकलते हैं यहाँ से, जय हिंद जय भारत। अभी निकल रहे हैं वापसी नीचे के लिए, और मौसम देखिए सामने का यार बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम है, तो मैंने कहा ज़्यादा नहीं रुकते हैं, जल्दी निकलते हैं। देखिए ढलान ढलान है नीचे की तरफ, खाई देखो यार क्या ही खतरनाक है ना खाई एकदम, तो अभी चलते हैं यार फटाफट से, मौसम ख़राब हो उससे पहले पहले नीचे पहुँच जाए तो काफ़ी सही है। ये मौसम का हाल है, देखो बादल कितने नीचे तक आ रखे हैं यार, व्यू देखो यहाँ का कितना शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो भाई एक जगह ही है, गांव का नाम है मुलबेक, यहाँ हम रुके हैं चाय वाय पीने के लिए, इतनी वैसे रुके हैं यहाँ पे यार, एक मतलब पत्थर है, एक बड़ा सा पहाड़ है, उसके ऊपर है ना बुद्धा का स्टेचू बना हुआ है यार, जाके देखते हैं, काफ़ी बड़ा दिख रहा है यहाँ से, बहुत बड़ा दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। तो भाई जो मैं स्टेचू की बात कर रहा था, वो स्टेचू देखिए ये रहा, ये पत्थर के ऊपर ही बना हुआ है पूरे, तो यार ये बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे। तो भाई स्टेचू देखने के लिए रुके थे, अभी चलते हैं फिर से आगे, ढलान मिल रही है तो भगे ही जा रहे हैं, अचानक से दिख गया, किसी भैया ने बोला कि यार ये मंदिर देख के जाओ, मैंने कहा यार देखने वाली चीज़ है तो ज़रूर देखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे रुके थे। तो भाई ये मंदिर तो बड़ा ही अच्छा था, अभी कुछ यार खाने के लिए रुके हैं, खाने के लिए एक होटल सा है वहाँ पे रुके हैं, तो मैं कुछ खा लेते हैं उसके बाद चलेंगे आगे, भूख लग रही है, दोपहर के 2 बजने को आ रहे हैं, चलना डालू डालू के चक्कर में हम नीचे उतरते गए कहीं रुके नहीं, तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, डालू वाले तो अंदर बैठे हैं डालू वाले। ये आया जी अपना पराठा, साइज देखो पराठे का, खोल के दिखाऊं, ये देखो बहुत ही बड़ा है, और रेट भी बहुत बड़े हैं, छोटे नहीं हैं,
स्टेट भी उस हिसाब से चाय लिए साथ में, पीते हैं और फिर पहुँचते हैं कारगिल आराम से। चलिए जी, अपना खाना पीना हो गया और अभी वापसी निकल पड़े हैं। थोड़ी देर अपनी राम प्यारी को भी आराम मिल गया। जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं ना, तो थोड़ा भीड़ वाला एरिया, थोड़ा क्राउडेड एरिया, मार्केट वगैरह अब थोड़ी ज़्यादा आने लगी है। पहले तो बहुत कम थी, अब तो थोड़ा ठीक आने लगा। अब तो भाई ऐसे नज़ारे कुछ दिखने लगे हैं, मतलब भीड़ एकदम, ये देखो पूरा क्राउडेड एरिया नीचे की तरफ। अब सही लग रहा है, अब सही लग रहा है। सूखे पहाड़ों में थे, कोई लोग भी नहीं थे आसपास में, इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। अब थोड़े मज़े आएंगे यार, कश्मीर पहुँचे, कश्मीर भी घूमना है यार। कश्मीर भी तो है अपना, बाकी अभी कश्मीर के बाद कुछ आगे घूमेंगे। गलती करी यार, मैं पीछे खाना खा गया। यहाँ रुकते, यहाँ पे और मस्त मज़ेदार कश्मीर का खाना ना, यहाँ और बढ़िया मिलता है। ये देखो यार, ये क्या ही बेहतरीन जगह है ये ना, मतलब दो तीन पहाड़ों के बीच में सिटी बसी हुई है। जगह का नाम तो नहीं पता, पहुँचेंगे शायद इसके, यहीं से जाना है, नीचे सड़क है यार, पर है बड़ी खूबसूरत, बहुत ही मस्त यार। तो भाई ये जो सिटी है, जो सिटी मैंने आपको दिखाई, ये सिटी है कारगिल। हम कारगिल पहुँच चुके हैं। बाकी यार कारगिल सिटी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। ये नदी जा रही है साइड में और ये रास्ता ढलान वाला, क्या ही बात है। ऐसे रास्ते मिले तो हम तो श्रीनगर पहुँच जाएंगे आज आज में। तो भाई जैसे ही कारगिल पहुंचे, सबसे पहले खा रहे हैं सोफ्टी यार। दिख गई दुकान, मैंने वहीं रेडी लगा रखी थी, खाते हैं यार, निकल रही है, खा ही लेते हैं। है तो मस्त यार, 20 की देर थे, 50 में 3 लिए बट हमने, थोड़ी सस्ती करवा ली। टेस्ट तो ज़बरदस्त है भाई, ज़बरदस्त टेस्ट है सोफ्टी। खा चुके हैं, नीचे से देखो निकल रही है, पिघल चुके हैं ना इसलिए। कल यहाँ पूरा बारिश था, अंकल कह रहे हैं बारिश था इसलिए लाइट नहीं था, पिघल चुका है, जल्दी खा लो, तो इसलिए जल्दी जल्दी खा रहे हैं, सॉफ्ट ही खा रहे हैं भैया आज। तो गाइस ये है कारगिल की मेन मार्केट, ये है चौक, और पीछे से रास्ता जा रहा था जंस्कार वैली के लिए, और जंस्कार का लेफ्ट हैंड में हो जाता है, हम राइट हैंड आ गए और ये मेन रास्ता चला जाता है आगे द्रास के लिए और श्रीनगर के लिए। तो हम इसी रूट पे जा रहे हैं, ये मेन मार्केट, काफ़ी सही मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है। ये देखिए फल फ्रूट, सब्जियों के, कपड़ों की मार्केट पूरी। तो भाई हमें कुछ लोग मिले हैं जो केरला से है, केरला है ना प्लेस है ना, कोचिया, आंध्रा, कोरिकोडे, ओके। तो ये भी साइकिल से हैं, ये 22 इंची ले रखी है भाई ने तो यार। आपका गियर ओके, बेस्ट ऑफ लक। अभी ले जा रहे हो, गोइंग टू ले, वी आर फ्रॉम मनाली रूट, ओके ओके ओके, कंप्लीट ले, नाउ गोइंग टू रिटर्न कश्मीर। हाँ माँ, वी आर गोइंग टू श्रीनगर। तो अभी भाइयों से थोड़ी देर मिलेंगे यार, साइकिलिस्ट मिल गए अपने को, तो इनसे मिलते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद में आगे निकलेंगे यार। बहुत अच्छा लगता है ऐसे साइकिलिस्ट मिलते हैं ना दूसरे वाले, मज़ा आ जाता है। भाई ने तो 22 इंची ले रखी है नॉर्मल विदाउट गियर यार, हम तो फिर भी ठीक है, थोड़ी रेंजर टाइप तो है ना, इनकी तो बिना रेंजर वाली यार। हेड्स ऑफ ब्रो, क्या ही बात है यार, अपने को अपने दोस्त मिल गए। ये भाई जी चाइकिंग से जा रहे हैं, ये पैदल, अच्छा पैदल, ओहो 6 मंथ, वाह यार, ओके। आपके रास्ते में मिले हैं, केरला का है, हाँ केरला से इधर आया, ओके हाँ, कन्याकुमारी तक श्रीनगर से चेकिंग बाद में, ओके 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 ओके। तो इनसे हम मिले, थोड़ी देर फोटो वोटो खिंचवाया हमने और काफ़ी अच्छा लगा। तो ये भी अकेले अकेले निकले हुए थे, फिर बाद में सारे मिल गए और सारे दोस्त बन गए, तो हम भी मिल गए, हम भी दोस्त बन गए, क्या बात है यार, बहुत ही खुश था, तो मज़ा ही बन गया यार, कारगिल पहुँचे, मज़ा ही आ गया इन सबसे मिल के। तो दोस्तों कारगिल से आ चुके हैं बाहर वाली साइड, द्रास की साइड, और ये नदी की स्पीड देखो यार, क्या तेज स्पीड है ना, मतलब बवाले मार रही है तो उछाल दे, उछाल दूँ ऐसे कर रही है तो करिए, मैं उड़ा दूँ सामने आ जाए तो उसको, स्पीड देखो कितनी तेज स्पीड है। अभी हम द्रास की साइड थोड़ा आगे की तरफ जाके टेंट वेंट लगाएंगे, क्योंकि कारगिल के अंदर टेंट लगाने की जगह नहीं थी, कहीं पर भीड़ थी बहुत ज़्यादा,
मार्केट थी काफ़ी अच्छी बड़ी मार्केट थी, और साथ में अपने को अपने कुछ दोस्त भी मिले थे यार, क्या ही बात है। उनका नंबर वंबर लिया, लाइफ में कभी आगे मौका मिलेगा तो उनके साथ राइड जरूर करेंगे यार, नए नए दोस्त बनेंगे, सब ग्रुप में राइड करेंगे तो और भी मज़ा आएगा ना। तो अभी थोड़ी देर यहाँ नदी की साइड रुके थे भाई, ठंडी ठंडी हवा, क्या बात है यार, मज़े आ रहे हैं, बैठे हुए फिर आगे निकलते हैं। फील द साउंड गाइस, फील द साउंड। दोस्तों सामने देखिए वहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो इसलिए हमने रुकने की जगह ढूंढ ली है अपने लिए, और ये जो बीआरओ के अंडर में काम करते हैं भाई लोग, इनके आसपास हमने जगह ढूंढी है। वो सामने अपने टेंट भी लग चुके हैं, आज का अपना रुकना यहीं होगा, नाइट यहीं स्टे करेंगे और सुबह यहाँ से आगे के लिए निकल जाएंगे। भाई हम कारगिल से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे आगे थे, थोड़ा बहुत आगे जाने की सोची थी, मैंने कहा सुबह चले जाएँगे द्रास तक, बट पहुँच नहीं पाए द्रास। अगर हम कोशिश तो की थी कि हम आज ही पहुँच जाएँ द्रास, कल फिर जो जिला क्रॉस कर लें द्रास से आगे, बट नहीं पहुँच पाए क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा था यहाँ पे, फिर चार्जिंग की व्यवस्था भी थी, मैंने कहीं रुक जाते हैं, तो आज नाइट अपना यहीं स्टे हुआ, कैंप वगैरह लगा लिए हैं, तो गाइस यहीं रुक रहे हैं आज हम। ओके फिर मिलते हैं आपको सुबह एक नई वीडियो के साथ, सुबह मिलेंगे। तो गाइस वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप भी अपना ध्यान रखिए, हम भी अपना ध्यान रखते हैं। जय हिंद, जय बोले, बाय बाय। तेरा पहुंच गया परशा तो वर्षा, ते हिसाब दे बेर तासा तेरिया।